और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं अपडेट देते रहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग काफ़ी अच्छी मूव को कैप्चर कर सकते हैं एकदम करेक्ट टाइम पे। यहाँ पे अपडेट मैं डाल देता हूँ, जो भी लाइव में मुझे समझ में आता है, जो भी मार्केट में मुझे समझ में आता है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी मैंने एक ट्रेनिंग भी स्टार्ट की है, उस ट्रेनिंग को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद में आप पिंड मैसेज में जब जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाला मैसेज दिखाई दे देगा। आप अगर चाहें तो ये वाली ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। पहले जिन लोगों ने इंट्राडे की ट्रेनिंग अटेंड की थी उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया है। यह गोदावरी पावर एंड इस्पात का शेयर और अभी हाल फिलहाल में इसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी आई है। ऐसा आखिर ऐसी कमजोरी आ क्यों रही है, क्या कारण है आखिर ये इतना कमजोर होते जा रहा है? एक बार आप इसका अगर 5 डे का चार्ट देखेंगे तो देख सकते हैं ये 1350 रुपये के आसपास काम कर रहा था और अभी 1100 के पास में खड़ा है। 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो ये 1800 के लेवल को छू के आया था। 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी अपमूव इसने दी थी। ये एक तरह का करेक्शन इसमें हो रहा है, क्या ये करेक्शन खत्म होगा या फिर ये स्टॉक डाउन मूव ही करता चला जाएगा? तो यह है गोदावरी पावर का चार्ट और लगभग 800 के आसपास मैंने रिकमेंड किया था और ये 1800 के लेवल तक छू चुका है। काफी अच्छा लोगों ने प्रॉफिट इसमें अर्न किया। अभी लोगों का ये डाउट है कि अभी इसे खरीदा जा सकता है कि नहीं। तो इस स्टॉक ने काफी अच्छी अपमूव दी, फिर रेस्ट, फिर अपमूव, फिर रेस्ट, फिर अपमूव और फिर ये डाउन मूव आई है। और ये डाउन मूव आप देख सकते हैं अभी इसको लेकर चली गई है 1132 के लेवल पे। क्या अभी हम इसे खरीद सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल हम इसे बाय कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है ये अपने हाई को फिर से छुए या उसके भी ऊपर चला जाए। अभी ये बेसिकली हुआ क्यों है, ये इतनी डाउनफॉल आई क्यों है? इसका मेन रीज़न था इसकी कमोडिटी, आयरन ओर की कमोडिटी में एक अच्छी डाउन मूव आई है। तो इसने कुछ नहीं किया, उसी डाउन मूव को फॉलो किया है और ये एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन के पास में आके खड़ा हो गया है। तो यहाँ से बॉन्स की संभावना बहुत ज़्यादा है, स्टॉप लॉस बहुत कम का बैठता है। 1000 का यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सपोर्ट की लाइन दिखाई दे रही है हमें। तो अगर कोई भी यहाँ पे एंट्री करता है तो 980 के एसएल के साथ में इसे बाय कर सकता है और यहाँ से अप मूव की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और गोदावरी पावर का एक और चीज़ मैं बता देता हूँ इस स्टॉक का, इसमें सेल्स एंड मार्जिन तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें देखी गई है और ये अगर स्टार्टिंग से मैं दिखा रहा हूँ तो सेल्स एंड मार्जिन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इसका जो प्राइस इज टू अर्निंग है ना वो लगभग इस इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट काम कर रहा है। आप देख लीजिए इसका प्राइस इज टू अर्निंग अभी 4 के आसपास चल रहा है, बाकी सभी स्टॉक का आप पी देखेंगे तो लगभग 11, 12 या 35, 36 ऐसे रेंज में दिखाई दे रहा है। नीचे के ये दो स्टॉक को छोड़ देंगे क्योंकि इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन उतनी अच्छी नहीं है। अब जंप करते हैं हमारे दूसरे शेयर के पास में, इसका नाम है बजाज फिनसर। बहुत ही घातक तेजी आज इसमें आई है, लगभग 8% की इस एक बड़े स्टॉक ने मूव दी है। क्या ये मूव अभी खत्म हो सकती है? ये जो आज की मूव आई है क्या ये एंड हो सकती है? क्या इसमें अभी मोमेंटम और बाकी है और ऊपर जाने की इसमें कैपेसिटी है? तो हाँ, इसमें अभी बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। इसमें जो बाइंग आ रही है ना वो वॉल्यूमेट्रिक बाइंग है, वॉल्यूम के साथ मूव कर रहा है। और RSI इसका देखेंगे ना, RSI कभी 50 के पास में गया ही नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं ये 50 का RSI, यहाँ पे बस एक बार इसने टच किया, उसके बाद में ये 50 के ऊपर ही बना हुआ है। तो यहाँ बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये अपनी अपवर्ड की जर्नी जो स्टार्ट किया इसने उसे कंटिन्यू रखे। अगर आप यहाँ पे इसमें बाय करते हैं तो आज का जो लो है उसको ही एसएल मान के आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो 15,000 के एसएल के साथ आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, इसमें एंट्री कर सकते हैं। और इसके जो टारगेट हमारे बनते हैं वो 18,000, 19,000 के आसपास ये आसानी से मूव कर सकता है, वो भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हो सकता है 7-8 दिन के अंदर अंदर इतनी बड़ी मूव दे दे। बजाज फिनसर में एक और न्यूज है, वो ये न्यूज है कि इसे अप्रूवल मिल चुका है सेबी का म्यूचुअल फंड में कारोबार करने का। तो म्यूचुअल फंड का कारोबार ये स्टार्ट कर सकती है, इसके कारण ही एक बहुत ही अच्छी रैली इसमें आई है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट चार्ट, ये है जिंदल स्टेनलेस स्टील का डेली चार्ट और यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छी मूव आज आई है। ये स्टील सेक्टर में बेसिकली वही हो रहा है कि स्टील के जो प्राइस हैं उनमें एक अच्छी डाउन मूव आई थी अभी 2-4 दिनों के अंदर अंदर, उस कारण से ये सारे के सारे थोड़े से नॉर्मल हो रहे हैं या फिर करेक्शन कर रहे हैं। ये करेक्शन के बाद में फिर से अपनी अप मूव स्टार्ट कर चुके हैं। तो अभी इस स्टॉक में भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने ऊपर की जर्नी को कंटिन्यू रखे। 120 के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें ट्रेड किया जा सकता है और इसमें जो मूवमेंट है वो लगभग 300, 400 या 500 के लेवल्स ये आसानी से दिखा सकती है। तो आपको अगर इन लेवल्स के लिए खरीदना है इसे तो आप इसे बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस मात्र 30 रुपये का है, लेकिन मैं यहाँ पे डबल होने की बात कर रहा हूँ इस स्टॉक के। अब एक और स्टॉक देख लेते हैं, लिंडे इंडिया। ये लिंडे इंडिया का स्टॉक है, ये भी काफी अच्छा मूव कर रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेवल पे मैंने लगभग 885 के लेवल पे इसे सजेस्ट किया था दिवाली के टाइम में। उसके बाद में आप देख सकते हैं कितनी शानदार मूव आई है, लगभग 900 के लेवल से आप देख सकते हैं लगभग 2.5 गुना हो चुका है ये स्टॉक। और ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसमें, दीपावली के आसपास ही मैंने रिकमेंड किया था, मेरे दीपावली वाले स्टॉक आप जाके देख सकते हैं। तो सेम टू सेम मूवमेंट आप जिंदल स्टील वाले में भी देख सकते हैं।
इस स्टॉक को भी अभी भी बाई किया जा सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2000 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2000 के एसएल के साथ में इसे फिर से परचेज किया जा सकता है। इसमें अभी भी काफी ज्यादा मूवमेंट बाकी है, ये 4000 5000 के लेवल को छू सकता है।